देखिए, प्रणाम नमस्कार बच्चों, नमस्कार। देखो, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 13.4। हमारी एक्सरसाइज क्या है यहाँ पर? हमारी 13.4 हमारी यहाँ पर प्रश्नावली है। इसका हम प्रश्न क्रमांक 2 आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर यह बोल रहा है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी यहाँ पर आपकी? 4 सेंटीमीटर है। तथा इसके वृत्ती सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर हम डालेंगे हल, यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल। और हल डालकर यहाँ पर हमको जो जो दिया गया हम वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, दिया है। क्या दिया है यहाँ पर आपको? शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर है। तथा इसके वृत्ती सिरों के परिमाप कितने हैं? 18 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे तथा इसके बेल नहीं खेदना है यहाँ कोचिंग में ना, हाई हाई करके है ना, अब यहाँ पढ़ना है ना, है ना। तथा इसके वृत्तीय सिरों, तथा इसके वृत्तीय सिरों है ना, तथा इसके वृत्ती सिरों के परिमाप, तथा इसके वृत्ती सिरों के परिमाप कितने हैं? पहला परिमाप इसको मैंने मान लिया C1, परिमाप को मान लिया मैंने क्या? C1। पहला परिमाप C1 बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर, C1 बराबर 18 सेंटीमीटर। और दूसरा परिमाप C2 बराबर 6 सेंटीमीटर, और दूसरा C2 बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको? शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल, यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, सूत्र लगाएंगे हम किसका? शंकु क्षेत्रफल, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे, सूत्र शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल SC बराबर, ये होता है L ब्रैकेट में C1 प्लस C2 बटे 2। ये पर यदि परिमाप दिया गया हो तो आपको यहाँ सूत्र लगाना है, क्लियर। यदि शंकु छिन्नक का परिमाप दिया गया हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको ये वाला लगाना है। बराबर का हो गया बराबर, L का मान कितना है यहाँ पर आपका? 4 है। L का मान कितना है? 4। ब्रैकेट में C1 का मान कितना है? C1 का मान 18 है, धन। C2 का मान कितना है? C2 का मान 6 है, 6 बटे में 2 का हो गया 2। अब बराबर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, गुणा 18 और 6 कितना जाएगा आपका? 24 है ना, और 24 दूनी कितना जाएगा आपका? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु छिन्नक का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा आप पर आपका? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है आपका? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर हो गया आपका आंसर। इतना नोट कर लो कॉपी में।